वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप अपने घर पे बैठे हैं, सुरक्षित बैठे हैं और अपने घर वालों का अपना पूरा ध्यान रख रहे हैं। और प्लीज़ अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरों की सेवा करने से पहले अपनी सेवा बहुत ज़रूरी है, तो अपनी सेवा करेंगे, ठीक रहेंगे तो ही दूसरों की हेल्प कर पाएंगे। दोस्तों, हम शुरुआत कर चुके हैं पार्टनरशिप अकाउंट की। 12th क्लास का सिलेबस है ये। 12th का मैं हमेशा बोलता हूँ, 12th के लिए भी है, बीकॉम के लिए भी है, बीकॉम ऑनर्स के लिए भी है, सीए सब जगह पे काम आता है। मैं एक छोटा पार्ट करा रहा हूँ, एडवांस लेवल तक अपने आप पहुँच सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर। हम ऑलरेडी बात कर चुके थे कुछ चीज़ों की, आज हमें बात करनी है पास्ट एडजस्टमेंट की। पास्ट एडजस्टमेंट होती क्या है? सपोज आपने कुछ गलत कर दिया, कुछ गलत डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, उसको ठीक कैसे करते हैं, उसको बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। हमने जब अकाउंटिंग कर रहे थे पार्टनरशिप अकाउंटिंग की, तो हमने पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था, कमीशन देना था, सैलरी देनी थी, ये भूल गए देना, और डायरेक्टली प्रॉफिट बांट दिया। तो गलत क्या कर दिया, पूरा का पूरा प्रॉफिट एज इट इज बांट दिया। तो ये हमारी गलती है। देना क्या क्या था, हमें सैलरी भी देनी थी, कमीशन भी देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भी था। तो इसका मतलब ये सब चीज़ें एडजस्ट करना भूल गए हम। तो आपको करना क्या होता है इस केस के अंदर, आपको बनानी होती है एक एडजस्टमेंट टेबल। क्या बनानी है? एडजस्टमेंट टेबल। मुझे ना अच्छे से याद है दोस्तों, ये एक तरीका मेरा नहीं है पढ़ाने का, ये तरीका मैंने अडॉप्ट किया मेरे अपने टीचर से, 1995 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिल्ली में एक जगह है कालका जी, वहाँ पे हमारे एक भैया हैं संजय भैया, तो मैं उनसे पढ़ने जाता था। और उनसे जब पढ़ना शुरू किया ना मैंने पहली बार, मेरे को इतना आसान होता है अकाउंटिंग, मतलब ऐसा मज़ा आया। तो अगर आप कालका जी के आसपास कहीं रहते ना, आपको अगर मौका मिलता ना उनसे पढ़ने का, तो प्लीज़ गो एंड। मैं नॉर्मली किसी भी बुक को, किसी भी टीचर को मैं रेफ़र नहीं करता हूँ, लेकिन वो मेरे टीचर हैं, मेरे गुरु हैं वो, तो उनको रेफ़र करने में मुझे कभी परेशानी नहीं होती। ऐसे कोई भी टीचर जिनसे मैंने सीखा है लाइफ के अंदर, आगे कैसे बढ़ते हैं, पढ़ते कैसे हैं, तो मैं आपको रेफ़र दे सकता हूँ। तो आप प्लीज़ गोविंदपुरी एक्सटेंशन कालका जी के अंदर उनका घर है, और वहीं पर सेंटर है, संजय भैया का नाम है, संजय भैया एन शाह के नाम से चलता है। तो ये प्रमोशन है, कुछ भी समझो, एक गुरु दक्षिणा है मेरी तरफ से उनके लिए, कि मैंने उनका रूल एज इट इज़ अडॉप्ट किया हुआ है पढ़ाने के लिए इस चैप्टर के लिए। वो नॉर्मली हमें, मुझे अच्छे से याद है, वो एक टेबल पे नाम लिखते थे ऐसे, वो टेबल पे नाम लिखते थे, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब ये बेस्ट था उनका, एक तरीका लिखने का था ना, खट करके एकदम दिमाग बैठ गया, अच्छा हींग लगे ना फिट करी, रंग चोखा ही चोखा है ना, फिर तो अपना काम हो जाना चाहिए, काम खत्म। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, यही होता है, हमें बनानी है इसमें एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनती है, यहां पार्टनर का नाम, यहां पे जो एडजस्टमेंट हम करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट में होती है एडजस्टमेंट हमेशा, डेबिट क्रेडिट, और डेबिट क्रेडिट को कंपेयर करके जो रिजल्ट आएगा, जो डिफरेंस आएगा, वो डेबिट और क्रेडिट यहां पे आ जाएगा। तो पार्टनर है ए बी सी, जो भी हो सकते हैं। डेबिट क्या करना है, डेबिट में रूल याद रखना, जो गलती से दे दिया उसको वापस ले लो। देखो रूल क्लियर है, किसी भी मिस्टेक को ठीक करने का तरीका क्या है, उसको वापस ले लो पहले और फिर सही काम कर दो। तो जो डेबिट करना है वो क्या करना है, क्योंकि पार्टनर्स को जो दिया होता है वापस लेने के लिए डेबिट करना होता है। तो जो गलती से दे दिया उसे वापस ले लो। तो ये हो गई गलती, वापस हो गई तो गलती कैंसिल हो गई, लेकिन जो करना था वो तो करो, तो ठीक है। जो वास्तव में देना है उसे दे दो, तो बस जो डिफरेंस आएगा वो आपका आंसर आ गया। आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। सपोज हमने गलती से दे दिया था ए और बी को, इसको 100 दे दिया था, इसको 200 दे दिया था, इसको वापस ले लो। देना उल्टा था, देना था इसको 200 और इसको 100। तो अब एंट्री कंपेयर करते हैं, ये 100 और 200, 100 डेबिट 200 क्रेडिट, तो डिफरेंस कहाँ गया, 100 क्रेडिट में ज्यादा हो गया डिफरेंस। ये 200 डेबिट, ये 100 क्रेडिट, तो 100 डेबिट। तो एंट्री क्या हो गई हमारे लिए, एंट्री इज वेरी सिंपल,
किसको डेबिट करना है, बी को, किसको क्रेडिट करना है, ए को। तो आपने क्या करना है, बीज अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ये आपकी एंट्री आती है, अमाउंट कितना, 100 रुपए से। अब इसको समझो लॉजिकली, लॉजिकली क्या होता है, सपोज आप किसी बर्थडे पार्टी में गए, आपके हाथ में 10 ट्रॉफी और 20, टोटल 30 ट्रॉफी थी, एक बच्चे को आपने देनी थी, दोनों को देनी थी आपने 15-15, गलती से आपने क्या किया, मुट्ठी बंद करके दे दी, एक बच्चा चलाया, मेरे को तो 15 नहीं मिली, मेरे को 10 ही मिली। अब दूसरा बच्चा थोड़ी करेगा आपकी बात मानेगा, तो आप क्या करेंगे, दोनों को जो ट्रॉफी दी थी ना आपका, ठीक है मुट्ठी बंद है वापस दे दो, तो उसको 20 दी थी वापस मिल गई, इसको 10 दी थी वापस ले लिया आपने, और फिर गिन के ट्रॉफी बांट दी, 15 तेरी 15 तेरी। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या था, जिसके पास 20 गई थी ना, उसी ने अपनी ट्रॉफी में से 5 ट्रॉफी दूसरे को दे दी। दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट, कि भैया आपस में एडजस्टमेंट कर लो। ये तो हम कहानियां बना रहे हैं सिर्फ, ये एडजस्टमेंट आपस में कर लो कि भैया ये ट्रॉफी तुझे जो एक्स्ट्रा 5 गई है तू उसको दे दे, तो तेरा काम खत्म होता है, मेरी एडजस्टमेंट खत्म हो जाती है। तो वही तो हमने किया कि जो तुझे 200 में 100 एक्स्ट्रा गया था, जो सॉरी 200 में तुझे एक्स्ट्रा गया था, वो तू उसको दे देना, खत्म कर यार। तो ये देखो ना हमने क्या किया, ये जो एडजस्टमेंट की इन्होंने आपस में करी है, हम तो सिर्फ एंट्री पास कर रहे हैं, सिर्फ ये एंट्री पास करने के लिए तो ड्रामा खींचेंगे हम। अब एक इमेजिनरी एग्जांपल कराऊंगा आपको मैं, बुक का नहीं है, बुक में बाई चांस अभी नहीं है, बुक का एग्जांपल नहीं कराऊंगा, इमेजिनरी कराऊंगा, एंड दैट विल क्लैरिफाई योर डाउट इन दिस टॉपिक। ऑलराइट, इसको जल्दी नोट कर लो, और ये प्लीज मैं फिर बताता हूँ, अगर कोई कालका जी में दिल्ली में रहता है तो मैं नाम बताऊंगा भैया का, एन शाह ऐसे लिखते हैं भैया, संजय भैया नाम है उनका, ठीक है, संजू भैया, संजय भैया इसलिए बोलता हूँ कि मेरे लिए भैया ये आज भी हो, टीचर है मेरे वो। मैं नॉर्मली किसी बुक को या किसी को प्रमोट नहीं करता हूँ, इन्होंने भी मुझे कोई पेमेंट नहीं करेगी, डोंट वरी, लेकिन ये प्रमोशन के परे हैं, इनको जरूरत नहीं है प्रमोशन की, ये इतना अच्छा पढ़ाते हैं। ऑलराइट, देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आपको नोट करना है, अब मैं समझाऊंगा अभी आपको। चलिए इस सब को समझने के लिए छोटा इमेजिनरी एग्जांपल आपके सामने है। देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी, दे आर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। आप क्वेश्चन को पूरा समझना, देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी sharing profit and loss in the ratio of 3:2. After making all the appropriation, it was discovered that the profit of the year 60,000 was distributed among the partners in their respective ratios, and later on it was discovered that we forgot to allow interest on capital, we forgot, bhul gaye the na, एंड ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रिस्पेक्टिवली, 250 ए से लेना भूल गए, 180 बी से लेना भूल गए, और 100 रुपये सी से लेना भूल गए तो भूल गए, क्या कर सकते, देखते हैं। क्लोजिंग कैपिटल हमें सीधा मिल गई है 40,000, 30,000, 20,000, और जो उन्होंने ड्रॉइंग करी है पूरे साल में वो 10,000, 7,500 और 4,500 की करी है। तो शो द एडजस्टमेंट एंट्री हाउ इट शुड बी टेकन प्लेस। सबसे पहले गलत क्या हो गया है, गलत ये बांट दिया है, तो ये वापस लेना है हमको टेबल में। तो टेबल कैसे करना है आपको, सॉल्यूशन कैसे करना होता है इसका, आपने टेबल बनानी है। बहुत सारे बच्चों की बहुत टेक्निक होंगी, लेकिन मेरे को जो आसान लगता है मैं वही कराऊंगा ऑफ कोर्स। तो आपने जो वापस लेना है ए बी और सी से, वो ये वापस लेना है 30,000, 20,000 और 10,000, और जो इनको देना है वो हम निकालेंगे। कहां से निकालेंगे अभी दिखाते हैं सर आपको, गया दूसरा पेन मेरा। इनको देना क्या है, अब ये देखो क्या है, ये जो बना हुआ है ये बना हुआ है रॉन्ग, ये आपको गिवन नहीं, आपको स्टेटमेंट गिवन होगी, आपको बनाना पड़ता है ऐसे दिखाने के लिए। सही कैसे बनाएंगे, पहले सही बनाएंगे हम, सही क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट कितना है, 60,000। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉपर कैसे बनाते हैं, सबसे पहले करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी था कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है, याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने कराया था कि ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां तो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है ना,
तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल, वो कैसे निकलेगी, क्लोजिंग कैपिटल एड ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट, वी गेट ओपनिंग कैपिटल। देखो साथ साथ लिख रहा हूं ताकि आप मिटा के करते भी जाएं साथ साथ। ए बी सी, ये तीन अलग इस लंबे चौड़े क्वेश्चन में अलग अलग वर्किंग नोट बनने वाले हैं। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 40, 30, 20, तो आप लिखेंगे 40,000, 30,000, 20,000। ड्रॉइंग कितनी है, 10,000, 7500, 4500, ये ऐड हो जाएगा 10,000, 7500, 4500। और प्रॉफिट कितना बांट दिया हमने गलती से, 30, 20, 10, तो ये हो जाएगा माइनस 30,000, 20,000, 10,000। आपको ये मैंने सिखा चुका हूँ कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं शुरुआत के लेक्चर्स में। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी हमारे इस केस में 20,000, 17,500 और तीसरा आ जाएगा 14,500। अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो आपकी ही बुक का एक इलस्ट्रेशन है, बाई चांस ये क्वेश्चन है आपका। तो इस 20, 17,500 और 14,500 पे निकलेगा 5%, तो ए की बी सी कितना हो जाएगा, सो 1,000, सो 1,875 और 14,500 को 5% आएगा 725, टोटल हो जाएगा हमारा ये 2,600। तो आपने क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले लो बाय, ये प्रॉफिट था हमारा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए बी सी तीनों का अमाउंट गिवन है 250, 180, 100, सबको ऐड किया 430 कट गया। तो अब प्रॉफिट कितना बचा, एक्चुअली में प्रॉफिट बचा 60,530 माइनस 2,600, ये हमारा बचा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आया 57,930, ये प्रॉफिट बचेगा, बटेगा इन तीनों पार्टनर में। चलो सर इन तीनों पार्टनर को प्रॉफिट देते हैं ए बी सी, ये प्रॉफिट किस रेशो में जाएगा, 3:2:1, तो आएगा 28,965, 19,310 और 9,655। खत्म हो गया क्या? अब हमारे कुछ बच्चे गलती करते हैं, यहाँ तक क्लैरिटी मुझे लगता है आ गई होगी। अब हमारे बच्चे कुछ गलती करते हैं, वो क्या करते हैं पता है, वो बड़े भावुक, एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड, यस मैं कर दूंगा, वो क्या करते हैं, ये उठाते हैं तीन अमाउंट 1, 2, 3 उठा के डाल देते हैं यहाँ पे और आंसर हो जाता है गलत। ठीक है, गलत कैसे होता है उससे पहले ये सब कुछ नोट करो ताकि मैं एक पोर्शन को मिटा सकूं। ठीक है चलिए इसको मिटाता हूँ, इस वाले पोर्शन को, गलत वाले को हम ले चुके हैं ऑलरेडी, क्या क्या एडजस्टमेंट थी हमें समझ आ चुकी है, हम वो कर चुके हैं, दिमाग में लगा चुके हैं। अब इनको मिलना क्या चाहिए था, ये था जो वापस लेना है, ये गलत था, ये गलत हो गया था, वापस क्या लेंगे, सॉरी जो गलत हुआ था वापस ले लिया, जो एक्चुअल देना है वास्तव, मेरे को हिंदी लिखते थे हिंदी क्या लिख गया, वास्तव, वास्तव में क्या देना है, रियलिटी में क्या देना है इनको, तो देखते कैसे निकालेंगे। इनको क्या क्या मिलना चाहिए, इनको मिलना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनको मिलना चाहिए प्रॉफिट और इनसे लेना है ड्रॉइंग्स का वापस। तो ए बी सी मिलना क्या है, ये जो हमको देना है, सबसे पहले देना है इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना कितना, 1,875 और 725। इनको क्या मिलना है, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना मिलेगा, 28,965, 19,310 और 9,655। और इनसे क्या लेना है वापस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये वापस लेना है, कितना कितना, 250 ब्रैकेट में कर रहा हूं वापस लेना है, 180 वापस लेना है, 100 वापस लेना है। तो एक्चुअली में कितना पैसा हुआ इनके पास क्रेडिट, कितना मिलना चाहिए, मैं टोटलिंग करके रखा हुआ है,
29,715, चलो ब्लैक ब्लू से लिख लेते हैं, 29,715 इसको मिलेगा, 20,005 बी को मिलेगा और 10,280 सी को मिलेगा। तो अब क्या हो गया, जो इनको गलती सी दिया था वापस ले लो, जो देना है ये दे दो, 29,715, 20,005, 10,280। जल्दी समझो, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें क्या डिफरेंस देखना है, डिफरेंस देखो डेबिट में ज्यादा या क्रेडिट में ज्यादा, यहां पे डेबिट में ज्यादा, कितना ज्यादा 285, यहां क्रेडिट में ज्यादा कितना 5, यहां पे क्रेडिट में ज्यादा कितना 280। देखो क्रेडिट में 285, डेबिट में 285, आप किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है वो आपको आता ही है, सिर्फ आंसर देखो, आंसर निकाल दो, ए को डेबिट करो तो एंट्री क्या हो जाएगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 285, टू बी इज कैपिटल, ये शॉर्टकट लिख रहा हूं आप पूरा लिखना, टू सी इज कैपिटल, बी कैपिटल कितना देंगे 5 और उसके अंदर 280 और इसके अंदर नरेशन लिखनी होती है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बस इतना से लिखना है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ये आपका आंसर है। तो अगर आपका ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, तो 5 नंबर में से ये और ये एंट्री तो 2 नंबर की है सिर्फ, और मेजर ये वर्किंग दिखानी है आपको, तो आप ये इस वर्किंग के ऊपर यहां पर लिख सकते हैं ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेशन, तो मैं फिर से स्टेप बताता हूं, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन बड़ा सा गिवन है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे रॉन्ग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि कितना प्रॉफिट गलत बांट दिया आपने, फिर उसके बाद सही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे यूजिंग ओपनिंग कैपिटल फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके लिए अगर आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो टेंशन ही खत्म, अगर नहीं गिवन तो पहले आप ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले लेंगे वापस, फिर जो बचेगा प्रॉफिट दे देंगे, इसमें सैलरी भी ऐड हो सकता है, कमीशन भी ऐड हो सकता है, कुछ भी ऐड हो सकता है, ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, पूरी तरह समझिए, जहां डाउट है मिनट लिख करके कमेंट में लिख देना, जैसे कमेंट देखूंगा, क्योंकि कमेंट बहुत सारे होते हैं, जैसे कमेंट देखूंगा आपको आंसर दे दूंगा। प्लस आपने अब जाते हुए एक काम करना है, वो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरी फीस दे दो, फीस है मेरा, सब्सक्राइब करो चैनल को, नीचे बटन है उसको दबा दो, बेल आइकन दबा दो, और लाइक अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक दो, क्योंकि मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ लाइक मांगता हूँ, अगर समझ आता है, नहीं समझ आता तो फीडबैक लिखो, सर यहाँ पे गड़बड़ हो गई कुछ, मे बी बोर्ड के ऊपर समझ नहीं आया, लिखने में गड़बड़ हो गई, आपने कैलकुलेशन गलती कर दी, कैलकुलेशन कभी कभी गलत हो जाती है, मैं खुद मानता हूँ वीडियोस के अंदर कभी कभी कैलकुलेशन गलत हो जाती है, बट प्लीज एश्योर योरसेल्फ कि मैं आपको कॉन्सेप्ट गलत नहीं पढ़ाऊंगा, तो कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, अपनी कैलकुलेशन सही से करना सीखो, अगर आप 12th में हैं तो आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो प्रैक्टिस ऐड सब्ट्रैक्ट प्रैक्टिस किया करो, और अगर बीकॉम वगैरह में तो टेंशन ही खत्म हो गई, आपको तो कैलकुलेटर अलाउड है। ऑलराइट, सो विद दैट आई टेक योर लीव, नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय।